फ्रेंड्स, मैं आभा खत्री। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रॉ मैंगो से बने हुए राइस की रेसिपी लेके आई हूँ, यानी कि कच्ची केरी के खट्टे मीठे राइस, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाने में बहुत ही इजी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खट्टा मीठा राइस बनाने के लिए हमें चाहिए राइस, जो मैंने बॉईल कर लिया है। एक बाउल राइस लिया है मैंने, सिर्फ उसे स्टीम कर लिया है मैंने, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के। कच्ची केरी चाहिए, एक केरी ली है मैंने, उसे कस ली है। एक ऑनियन है, बारीक चॉप कर लिया उसे। ग्रीन चिली, उसे भी बारीक चॉप कर ली है। कोरिएंडर ली उसे। शुगर है एक चम्मच। करी ली उसे। मिंट ली उसे। पिंच हल्दी है। सॉल्ट है टेस्ट के अनुसार। और रेड चिली पाउडर है, वो भी एक टीस्पून ही लिया है। सबसे पहले मैं राइस में सॉल्ट ऐड कर लूँगी। हल्दी और रेड चिली पाउडर ऐसे मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम राइस बना लेते हैं। सबसे पहले पैन में 1 से 2 चम्मच ऑयल ले लेंगे। ऑयल गर्म हो जाए फिर इसमें करी लीव्स डाल देंगे। ग्रीन चिली डाल देंगे। ऑनियन डाल देंगे। और इसमें कच्ची केरी डाल देंगे, जो हमने कस के रखी है वो मिक्स कर लेंगे। फिर शुगर डाल देंगे, कर लेंगे अच्छे से। शुगर मेल्ट हो जाए तब तक इसे पकाना है 2 मिनट। और इसमें ड्राई जो पुदीना है वो डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर भी आ जाए अच्छे से। और अब जो राइस हमने मसाला मिक्स करके रखे थे उसे डाल देंगे। इसमें अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो चुका है, इसलिए हमें ज्यादा मिक्स करने की जरूरत नहीं है अब इसे। सबको मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे। ये राइस एकदम फटाफट बन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए हमारे कच्ची केरी से बना हुआ खट्टा मीठा राइस रेडी है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हमारा कच्ची केरी से बना हुआ खट्टा मीठा राइस। इसे मैंने कच्ची केरी और ऑनियन के सलाद के साथ सर्व किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।